हजारों जाने। नमस्कार, शुभ 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास रिपोर्ट की ओर। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड की यात्रा पर आ रहे यात्रियों और यात्रा कर रहे लोगों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। जिले में भारी बारिश की चेतावनी के बीच जिला प्रशासन ने गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा में फिलहाल रोक लगा दी है। जो यात्री जहां ठहरा है उन्हें वहीं रहने के लिए कहा गया है। मौसम साफ होने तक यात्रा में रोक लगी रहेगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गंगोत्री व यमुनोत्री धाम यात्रा पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसके चलते यात्रियों को चारों धाम जाने से रोक लिया गया है। सुबह जो भी यात्री धाम दर्शन के लिए पहुंचे थे उन्हें दर्शन करने दिए गए थे, लेकिन उसके बाद जिला प्रशासन के आदेश जारी होते जो यात्री जहां था उसे वहीं ठहरने के लिए कहा गया। बताया गया है कि डीएम मयूर दीक्षित ने गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा अनौपचारिक रूप से रोकी गई है। जिले में लगातार बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे पर यातायात ठप हो गया है। जान की चिट्ठी से 2 किलोमीटर आगे बड़कोट की तरफ एक पुलिया के पास यमुनोत्री हाईवे भारी मात्रा में मलवा आने से यातायात ठप हो गया है। इसके चलते यमुनोत्री धाम की यात्रा पर भी विराम लगा दिया गया है। NH बड़कोट की मशीनरी हाईवे को यातायात के लिए बेहाल करने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक मौसम में अचानक आए बदलाव के चलते जिला प्रशासन ने यात्रा के संचालन को रोकने का निर्णय लिया। जिले में बारिश के दौरान घटना दुर्घटनाओं की संभावना रहती है, इसलिए ऐसे में पूरी सतर्कता बरतते हुए प्रशासन ने फिलहाल यात्रा पर रोक लगाई है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही मौसम साफ होता है यात्रा का संचालन फिर से जारी कर दिया जाएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज चैनल। नमस्कार।